कोई बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, कोई बचाओ, मेरे बच्चे को आग लग गई है, सब जल जा रहे हैं। लेकिन किसी भी जानवर में दहकती आग को पार करने का साहस नहीं था। नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत सा जंगल था, वहाँ कई जानवर रहते थे। उन्हीं जानवरों में एक नकलची बंदर भी था, जो सभी जानवरों से अपनी तुलना करने की कोशिश किया करता था। दरअसल जंगल में एक ही बंदर था और कोई बंदर नहीं था, इसलिए वह हमेशा अकेले अकेले फील करता था। वह सोचता कि और कोई बंदर होता तो साथ में खेलते, साथ में कूदते, हर चीजें साथ में करते, लेकिन इस जगह वह बहुत उदास रहता था। जैसे ही वह किसी जानवर को देखता, उसके जैसे बनने की कोशिश में लग जाता, उसी की ही नकल किया करता था, लेकिन हमेशा उसके अंदर उसको कमी ही दिखती। एक दिन बंदर तालाब के किनारे बैठा था, उसी समय उसे एक कछुआ तालाब के अंदर जाता हुआ दिखाई दिया। बंदर को लगा कि जैसे कछुआ धीरे धीरे चलकर पानी में तैर गया, वह भी कर सकता है। और फिर अगले ही पल वह धीरे धीरे फिसलते हुए तालाब के अंदर जा गया। तालाब के अंदर गिरने से बंदर परेशान हो गया, उसको तैरना भी नहीं आता था। अब क्या, वो तो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे अब मैं क्या करूं, मैं तो यहाँ पे फंस गया, मैं तो निकल ही नहीं सकता। जैसे तैसे करके वह तालाब के दलदल से बचकर बाहर आया, लेकिन इस घटना ने बंदर को अंदर से झकझोर दिया था। वह पूरी तरह से डर गया था। धीरे धीरे बंदर के अंदर निराशा आने लगी, उसे लगा कि वह कुछ नहीं कर सकता, उसे कुछ नहीं आता, वह किसी जानवर की तरह नहीं बन सकता। दरअसल जंगल के सभी जानवरों की अपनी अलग अलग खासियत होती है, लेकिन बंदर अपनी क्षमता से बेखबर था। वह बाहरी दुनिया में अपने आप की काबिलियत को तलाश रहा था। इसी वजह से सभी जगह असफल होने के बाद बंदर को लगने लगा कि उसे किसी और जगह जाना चाहिए, इस जंगल को छोड़कर चले जाना चाहिए, कोई नहीं है उसका, वह कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वह इस जंगल को छोड़कर चला जाए। अगले दिन सुबह सुबह वह बिना किसी से कुछ कहे जंगल से बाहर जाने के लिए निकला। थोड़ी दूर पहुँचते ही उसे एक पहाड़ पर आग जलती हुई दिखाई दी। आग काफी तेज थी और काफी नजदीक भी थी। बंदर को लगा कि शायद वहाँ कोई जानवर मदद की तलाश में हो, इसलिए वह आग की तरफ पहुँच गया। आग के नजदीक पहुँचते ही बंदर को एक चिड़िया रोती हुई दिखाई दी। वह अपने बच्चों की मदद के लिए गुहार लगा रही थी, कोई बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, कोई बचाओ, मेरे बच्चे को आग लग गई है, सब जल जा रहे हैं। लेकिन किसी भी जानवर में दहकती आग को पार करने का साहस नहीं था। तभी बंदर चिड़िया के पास पहुंचा और उससे कहने लगा, मैंने तो सुना है कि चिड़िया हवा में उड़ सकती है, तो फिर तुम्हारे बच्चे और तुम क्यों नहीं उड़ पा रहे हो? चिड़िया ने बंदर से कहा, मेरे बच्चे अभी काफी छोटे हैं, वह उड़ नहीं सकते, और मैं भी उन्हें दूसरी जगह ले जाने में सक्षम नहीं हूँ, इसलिए मैं उन्हें नहीं बचा पा रही हूँ। चिड़िया की समस्या सुनते ही बंदर उसकी मदद करने को तैयार हो गया और आग से बच्चे को बचाकर बाहर ले आया। अपने बच्चों को सुरक्षित देखकर चिड़िया खुश हो गई और उसने बंदर को धन्यवाद देते हुए कहा, मैंने इस जंगल में सभी जानवरों से अपने बच्चों को बचाने की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। बंदर भाई, तुम बहुत साहसी हो, बहुत ताकतवर हो, इतनी भयानक आग में मेरे बच्चों को कुछ भी होने नहीं दिया। चिड़िया के मुंह से बंदर अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गया। बंदर ने अपनी बहादुरी को साबित करते हुए अपनी जंगल में एक जगह बना ली थी। अब उसे एहसास हो गया था कि किसी भी जानवर की तरह बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने को निखारने की जरूरत है। बस फिर क्या था, उसने तय कर लिया कि वह इस जंगल को छोड़कर कभी नहीं जाएगा, वह हमेशा यहाँ रहने वाले सभी जीव जंतुओं की मदद करता रहेगा। और इसी के साथ
कहानी खत्म होती है। तो बच्चों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के जैसे बनने की जरूरत नहीं है, बस हमें खुद को निखारने की जरूरत है। तो हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।